ये लम्हा जिसमें तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। हमारे सामने जुल्म का एक समंदर है, हमारे सामने बज़ाहिर तारीकी है, लेकिन इस तारीकी में जलने वाले दिए हम हैं। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। हमें बताया गया कि हमारी वक्त कुछ नहीं, हमारे वोट की वक्त कुछ नहीं, हम इस मुल्क में जमहूरियत की तकमील तक खड़े रहेंगे, हम अदालतों का रुख भी करेंगे, हम सड़कों का रुख भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई ताले आजमा फैसला करे किसने हुकूमत बनानी है, ये जोड़ तोड़ होना है और हम खामोश होकर बैठ जाए। मोहतरम कायदीन, दोस्तों, बहनों, आज हम जिस मरहले पे खड़े हैं वहाँ बेख्तियार ये कहने को दिल चाहता है, ये लम्हा जिसमें तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। हम मजबूर महज नहीं हैं। हमारे सामने जुल्म का एक समंदर है, हमारे सामने बज़ाहिर तारीख, लेकिन इस तारीकी में जलने वाले दिए हम हैं। कानून और आइन के अलमबरदार हम हैं। हमने आज इस कौम को बताना है कि 8 और 9 फरवरी की रात जो सानिहा रूनुमा हुआ, जिस तरह इस कौम के वलवले और अज़म पर हमला किया गया, वो हमला पसपा होगा। हम खड़े हैं, हम अज़म से भरे हुए हैं। हमारे सामने एक बहुत आला अरफा मकसद है। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। जो कुछ हुआ 8 और 9 फरवरी की रात, मैं उसका खुद चश्मदीद गवाह हूँ। वो हाथ जिन्होंने मेरा गरीबान थामा, जिन्होंने मेरी बेगम का गरीबान थामा और हमें निकाला, वो हाथ सिर्फ मेरे गरीबान पर नहीं पड़े थे, वो इस मुल्क के हर इंसान के, हर औरत और हर मर्द के गरीबान पर पड़े थे। हमें बताया गया कि हमारी वक्त कुछ नहीं, हमारे वोट की वक्त कुछ नहीं, हमारी ख्वाहिश, हमारा अज़्म, हमारा वलवला कुछ नहीं, ये इनकी खाम ख्याली है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम एक बुलंद व आला व अरफा क़यादत के तले खड़े हैं। हमारा मकसद आला है, हम हार नहीं सकते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने कायम रहना है, जो कि इंशाअल्लाह रहेगी, तो ये हमारे तवस्सुत से रहेगी, इस तहरीक के तवस्सुत से रहेगी जिसकी बिना बुनियाद हम डाल चुके हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की तकमील तक खड़े रहेंगे, हम अदालतों का रुख भी करेंगे, हम सड़कों का रुख भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई ताले आजमा फैसला करे किसने हुकूमत बनानी है, ये जोड़ तोड़ होना है और हम खामोश होकर बैठ जाएं। हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। कोई यहाँ इतना आला अरफा नहीं कि वो बंद कमरों में बैठकर सिर्फ आइनी और फिक्री गुफ्तगू करे। हमें सड़कों पे भी आना है, हमें अदालतों में भी जाना है, हमें जेलों को भी भरना है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक ये मकसद हासिल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की सरपरस्ती और बालादस्ती नहीं होगी, जब तक हम वाक़ियतन जमहूरियत को इस मुल्क में कायम नहीं करेंगे, राइज नहीं करेंगे, हमें पीछे नहीं हटना। हमारा मकसद बहुत आला है, ये तकमील पाकिस्तान का मकसद है। हम हैं पाकिस्तान के मुहब्बे वतन। हमें कभी कहा जाता है कि ये शोर वगा करने वाला एक रेवड़ है, हरगिज़ हम वो रेवड़ नहीं हैं। मैंने गलियों में फिर के देखा है, मैंने उन दोस्तों से, उन बहनों से, उन बच्चों से मैंने मिला है जो 9-9 महीने से जेलों में हैं, जिनकी रोजगार बंद हो गई, जिन्होंने सोपतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन उनका वलवला जवान है, उनका अज़म जवान है। उनकी खातिर हमें खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया।